हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में, जो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में है। अगर पोस्ट नेम की बात करते हैं, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1163 वैकेंसी है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1163 वैकेंसी है, और इसका पे स्केल की अगर बात करें तो 35,000 रुपये पर मंथ है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो अनरिजर्व के लिए 584 है, ओबीसी के लिए 312 वैकेंसी है, एससी के लिए 240 वैकेंसी है और एसटी के लिए 27 वैकेंसी है। टोटल 1163 वैकेंसी है। अगर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो नर्सिंग चाहिए इसमें, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम पास होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं होगा। अब बात करते इम्पोर्टेंट डेट की, तो इसमें जो फॉर्म भरने की डेट है 17 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट हो रही है, और इसका लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2018 है। आप इससे पहले फॉर्म जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कम्प्लीट करना पड़ेगा 6 मंथ का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।